इनके पास वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है जिसके वजह से उनका बात को सुनता है प्रॉब्लम बैकग्राउंड की क्योंकि उसको तो स्कूल में उसके बाद तो फाइनल ऐसे एग्जाम्स में फेल हो गए थे तो उन्होंने रिस्पॉन्स बहुत लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी थी उसको अपने लेटर में बहुत सारी बातें लिखी थी तो उस बात को उन्होंने गौर किया खैर उन्होंने उनको उसके बात पे ज़्यादा वो नहीं दिए ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिए कुछ बातें उस पर लिखे थे उससे उनको बहुत अंदर से इंस्पायरेशन मिला उसके बाद इन्होंने जो जो काम था उसको दो और मैथमेटिशियन के पास ब्रिटिश ब्रिटेन में भेजे बेकर और हैप्सन के पास भेजे उन्होंने पेपर में ज्यादा कुछ देखे भी नहीं और वैसे ही पेपर लौटा दिए तो बिना कोई कमेंट के लौटा दिए तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको जो भेजे तो उसमें इन्होंने लेटर जो रेड रेड कलर में जो दिख रहा है ये लेटर का उनके सार है इसमें लिखा था उन्होंने लेटर में उन्होंने लिखा आई हैव हैड नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन रामानंद ने लिखा मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी के कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन जो स्कूल में पढ़ने के बाद में मैं एफ ए तक तो कोशिश किया हूँ उसके एफ ए के बाद में नहीं चल पाया नहीं पढ़ा लेकिन लोग बोलते हैं उन्होंने लिखा ना लेकिन लास्ट में लिखे कि मुझे बोलते कि मेरे पास में बहुत ही अचंभित करने वाला मैथमेटिक्स का ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास वो है कैलिबर है ज्ञान है ऐसा खैर उन्होंने जो जो काम भेजे थे कुछ पेपर्स में जो अपना प्रॉब्लम फॉरन भेजे थे हार्डी ने उनको देखना शुरू किया तो शुरू में तो उनको लगा कि ये पॉसिबल फ्रॉड है लगता है ऐसा लगता नहीं उनको कि ऐसा कोई काम होगा करके लेकिन बाद में वो शुरू में पहला को ऐसा देखकर कुछ प्रॉब्लम बाद में बीच में देखने लगे तो उनको लगा कि थोड़ा सा ये काम तो किया है लेकिन ऐसा काम तो पहले भी हो रखा है लेकिन जब थर्ड लास्ट साइड में जा रहे थे तब उनको जो देखा तब उनको लगने लगा कि ये काम में तो कुछ है फर्स्ट जो पहला जो था जो रिजल्ट था उसमें बोला कि फर्स्ट रिजल्ट हैड ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड बाय द बर्ड बोला ऐसा रिजल्ट तो पहले निकाल चुके हैं करके और सेकंड जो है वो भी जो उस समय कुछ उस समय जो यूलर्स और फ्रेडरिक गॉस जो है आप लोग गॉस के नाम सुने होंगे सब लोग यूलर के भी सुने होंगे तो बोले ऐसा काम तो इन्होंने कर रखे उस समय की बात देख लीजिए आप जस्ट अंदाज लगाइए बोले जो एक ये है ऐसे काम तो इन लोग भी कर रहे लेकिन जो लास्ट साइड में जब देखने लगे थोरन को तब उनका माथा खुल गया है ना कि थर्ड जो काम था उसको देख के लगा भी ऐसा काम भी हो सकता है तो मैं सोच भी नहीं सकता और थर्ड जो लास्ट के फेज में उनको अंदाज लगने लगा ये काम जो है कोई ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता हार्डी जो है उस समय के टॉप वर्ल्ड के जो जो कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियंस उसमें टॉप के मैथमेटिशियंस लोग में से हुआ करते थे उनको ऐसा लगा कि ऐसा काम कैसे हो सकता है करके तो खैर उन्होंने अब उनको विश्वास होने लगा कि जो भी काम करने वाला इसका मतलब इसमें कोई नॉर्मल फिगर नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसके उन्होंने लिटिल हुड जो उनके साथ में खुली हुआ करते थे उन्होंने लिटिल हुड को पास किया लिटिल हुड ने भी उस पेपर को देखे और उनको बहुत जब ये सब बातें हो गई तो उसको जब नोट करने के बाद में हार्डी ने बोला कि अपनी जिंदगी में मैं इससे दिमाग में वो चीज कभी नहीं बोला ऐसा तो है जिसने भी भेजा है ये मैथमेटिशियन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी ए मैन ऑफ ऑल टुगेदर एक्सेप्शनल ओरिजिनलिटी एंड पावर मतलब ओरिजिनलिटी मतलब अपना अपना काम अपना पावर वाला है कोई खैर चलिए इतनी बात हो गई अब उनको कन्विंस तो हो गया है पेपर पर पढ़ने के बाद में उनके ही साथ एक कुलीग थे उनके साथ काम करने वाले वो जब उनको भी दिखाए गए इसको देखे तो बोले कि जो थोरम्स वगैरह दो दिए बोले वर्ल्ड के जो सबसे टॉप कोई भी एग्जाम जो करा सकते हो मैथ्स में आप इसमें से जो लास्ट के थोरम कोई भी एक ऐसा थोरम नहीं है जो एग्जाम में आप पूछ सकते हो उसका क्वालिटी है कोई भी आप वर्ल्ड के सबसे टफ एग्जामिनेशन मैथ्स में करवा लीजिए
लेकिन थ्योरम का वो क्वालिटी है कि आप थ्योरम को मैच में एग्जाम में नहीं रह सकते, उसका ये क्वालिटी है। तो चलिए बात यहाँ से पॉजिटिव चीज यहाँ से निकल रही। हार्डी ने रामार्जुन को लेकर लिखा बैक वो सब करने के बाद कि ये तो ठीक है, काम तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो कुछ बाद में जो थ्योरम दे तो उसका कुछ प्रूफ भेजें तो हम उसको प्रूफ को देखें। तो हमने फिर प्रूफ को देखा उसके बाद में, और फिर कॉन्टेक्ट किए कि इंडियन ऑफिस जो है वहाँ पे जो विदेश में स्टूडेंट को भेजते उनका कॉन्टेक्ट, दोनों ने साथ में कॉन्टेक्ट किया हमको इनके लिए कि इसको इधर बुलाया जाए। तो सेक्रेटरी थे आर्थर डेविस, वो एडवाइजरी कमेटी थे इंडियन स्टूडेंट्स को जो ब्रिटेन में भेजने के लिए, उनके एडवाइजरी कमेटी सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको भी बोले कि इनको बुलाया जाए करके, लेकिन वो जो है ब्रिटेन जाने से मना कर दिए। तो मैं जाऊंगा, आपको पता है क्यों नहीं जाएंगे बोलते, क्या क्या वजह था, हो गया है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं गए जाना चाह रहे हो? क्या लगता है? उस समय ऐसा विश्वास था ना कि अगर हम इधर अपने देश छोड़ के या समुद्र क्रॉस करके चले जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। हाँ, तो बोलो वो क्योंकि उनका परवरिश ऐसा हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा असर था, वो सबसे उन्होंने मना कर दिया, तो एक नया तरह समस्या पैदा होगी। तो बहुत कोशिश करते मिडिल मास्टर, उन्होंने कि कैसे भी करके इनको करके जब थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मना कर दी। लेकिन खैर इन्होंने वापस लेटर उनको लिखा, बोला कि आई हैव फाउंड अ फ्रेंड इन यू हु व्यूज माय लेबर सिंपैथेटिकली के लिए, एक हमको कम से कम एक ऐसा दोस्त मिल गया ऐसा लगा कि जो मेरे बात को सिंपैथी सहानुभूति से कम से कम जान तो रहे, इतना तो हमको पता चल गया करके लिखे। उसके बाद में उन्हें से ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज में ही है ना, जो हार्डी जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सब सुने होंगे आप लोग, आज भी टॉप के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हमेशा होती है वर्ल्ड के, हाँ कई बार वर्ल्ड के नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी रैंक रहा है इसका। तो उसके लिए तो उनको भी दिखाया गया वर्ड वाकर को, तो उन्होंने बोला कि इनको कुछ समय यहाँ पे कैम्ब्रिज में उनको बिताना चाहिए, ऐसा कोशिश करेंगे कुछ समय के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आए हो कैम्ब्रिज में। उनके वजह से जो हनुमंत राव उस समय थे, जो वो भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मद्रास में ही, और नारायण अय्यर को बोले कि भाई इनको बुलाते हैं, क्या करें इनको एक बार बुलाते हैं उनके लिए कि इनको हम कैसे हेल्प किया जाए करें ताकि काम कंपनी जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे। तो सब बोर्ड में से पास हुआ कि इनको 75 रुपया पर मंथ का हिसाब से स्कॉलरशिप, रिसर्च स्कॉलरशिप दिया जाए, ये तय हुआ और 75 रुपये उनको देना शुरू हुआ। साथ में जनरल ऑफ जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी थी उसमें अपना पेपर भेजने भी लगे, साथ साथ में भेजने लगे अपने थ्योरम्स वगैरह जो भी डेवलप कर रहे थे वो सब पेपर में भेजते रहे, पेपर पब्लिश होता रहा। बाद में जो रोज जो थे जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में थे, कुछ दिन बाद में उनसे मिलने आए अचानक एक दिन बाद, और जो जहाँ थे वहां पे आके वो क्लास में पूछने लगे क्या इनको रामानुजन को क्या पोलिश आता है, पोलिश जो पोलैंड वाले लोग जो भाषा बोलते हैं उसको पोलिश बोले, पूछने आए कि पोलिश आता है क्या इनको। तो बात एक्चुअली ये था कि पोलैंड के एक मैथमेटिशियन एक जो काम रिसर्च पेपर अभी हाल फिलहाल में छपवाए थे वही काम इंडिपेंडेंटली इन्होंने यहाँ पे कर रखा था, तो उनको पहले मन में शंका पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं पोलिश इनको आता है और वही काम को अपने इंग्लिश उंग्लिश में करके कर दिए, बात पता चला इनको तो पोलिश आता नहीं, और बल्कि ये भी बात पता नहीं कि ऐसा कोई काम हो रखा है तो मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया है। खैर लेकिन बात बिगड़ना जब लगी जब हार्डी को पता चला कि वो कैम्ब्रिज जाना नहीं चाह रहे, वो चाहते थे कि कैम्ब्रिज आए। खैर उन्होंने दोबारा परसू करना कोशिश किया कि कैसे भी करके वो आए, तो नेविल नाम के जो थे उनको बोला कि भाई इनको कैसे मेंटर करें, इनको थोड़ा करें कि ये परसू करें कि आप ये मान जाए कि यहाँ आए थोड़ा कैम्ब्रिज में। उनको
उनके घर में परिवार में भी संगत है, ऐसा तो नहीं कहीं वो बेटे जाएंगे तो कहीं धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कहीं ऐसा ऐसा भी संगत थी। तो बहुत बातें थी उस समय ना, क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि बहुत ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी फैमिली से उस तरह का विचार था, तो घर वालों को भी बहुत प्रॉब्लम थी, उनको तो थी। खैर एक दिन बोले कि ऐसा है कि उनके जो देवी जिनका पूजा करती थी उनकी, बोले कि सपने में ऐसा पता चला कि उनको बोला गया सपने में से कि देवी ने कि आप उनकी जो बच्चा जो करना चाहता है उसके बीच में ना पड़े, जो कर रहा है उसको करने दें। खैर परिवार वाले मांगे तो जो है फिर वाइफ जो है यही रही और वो जो कैम्ब्रिज के लिए फिर प्लान बनाया कैम्ब्रिज के लिए 17 मार्च 1914 को। जो सिप था जो निवासा सिप निवासा नाम के सिप से वो चलना शुरू किए और पहुंचे क्या वहां पे 14 अप्रैल को। 17 मार्च को शुरू हुआ सिप, 14 अप्रैल को लंदन पहुंचे। कितना टाइम लगा? करीब करीब 1 महीना लग गया। उस समय ऐसी लगती थी सिप से चले तो दूर भी बहुत है, उतना सिप भी इतना पास नहीं चलता था। पहले पहुंचे कुछ दिन तक अपने जो नेविल के फ्रेंड के साथ में रहे वहां पे, उसके बाद में जो है अपना रूम ले लिए और जो जहाँ काम करते थे कैम्ब्रिज मिस्ट्री से इतना पास था कि 5 मिनट का रास्ता लगता था, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थे, वहां पे अपना कमरा बना लिए, वहां से काम करना अपना शुरू किए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था इनके साथ में, जैसे हमने पहले भी बोला उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तो था नहीं, उनका अपना ही स्टाइल था और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए आता था कि हार्डी और उनका जो डिस्कशन होता था उनका अपना तरीका था, हार्डी का अपना तरीका था। अब प्रॉब्लम ऐसे फंस जाते थे कि वो अपने तरीके से बोलते थे, उनका कोई फॉर्मल तरीका नहीं था, कोई सिस्टम था नहीं। अब वो साथ के साथ बात सिस्टमेटिक हो, यही भी बहुत बार गड़बड़ हो जाती थी इनकी। बाद में हुआ क्या, उन्होंने लिटिल हुड को बोला, लिटिल हुड जो पुलिस थे इनको थोड़ा सा आप देखिए तो थोड़ा इनका ऐसा कुछ करें कि थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। अब लिटिल हुड कोशिश किए कि थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सिस्टमेटिक करें, जैसा यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं था वो सब नहीं था, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ लगे। लिटिल हुड बोलने लगे जब हम उनको कुछ बताने शुरू करते थे वो अपने ही शुरू हो जाते थे, मैं क्या बताना चाह रहा था मैं खुद ही भूल जाता था। मतलब बड़ा मुश्किल हो गया अब उसको। लेकिन उसी बीच में क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी भाई, उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जो है लिटिल रूट की उसमें ड्यूटी लगी, लिटिल रूट की उसमें ड्यूटी चले गई, तो ड्यूटी लगे तो फिर हार्डी के साथ में रहे। और लेकिन कुछ दिन बाद वो बीमार फिर हो गए वहां पे, क्योंकि ब्रिटेन में ठंड बहुत पड़ती है और इंडिया में खास करके सदर्न पार्ट में उतना ठंड नहीं पड़ती है, नॉर्दर्न पार्ट में तो ठंड पड़ती है लेकिन साउथ में इतना ठंड नहीं पड़ती है। बीमार हो गए खैर और बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन वो जो इंडिया में जो काम करके ले गए थे वो इस सब काम को प्रोड्यूस करने लगे और वो सब पेपर जो है छपने जरूर शुरू हुआ। अपना कोई काम बहुत ज़्यादा शुरुआत के दिनों में नहीं कर पाए बीमार होने की वजह से। तो उनके पास जो बुक था उसी पे, नोटबुक जो था उसी पे अपना काम करने शुरू किए उन्होंने। वर्ल्ड वॉर भी चलता रहा, उनके साथ में कई तरह का प्रॉब्लम इसलिए आने लगे क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थे और ब्रिटेन में जो है वर्ल्ड एक तो वेजिटेरियन बहुत कम है या ना के बराबर हुआ करते थे, और दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से वेजिटेरियन खाना में और प्रॉब्लम होने लगी, ठंड और थी काफ़ी, इनको बीमार हो गया, समस्या होने लगी दोबारा। खैर जैसे जैसे करके उन्होंने ठीक तो हुए। ये कैम्ब्रिज में जब थे उसी समय की एक फोटो है उनके साथ के, मतलब पुलिस के साथ में जिनके साथ में। जब ये सब काम होने लगे तो देखिए एक बार यूलर ने उनके लिए हार्डी ने उनके लिए क्या कहा, जिस तरह के काम कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज या हाइपरजोमेट्रिक सीरीज वो सब जो काम कर रहे थे, बोले इनके बराबर का आदमी मैं जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला। बराबर का सेंस में कि उनके नॉलेज के बराबर वाला आदमी किसी के बराबर नहीं मिला। मैं अगर इनको किसी से अगर कंपेयर कर सकता हूँ तो किसी से वो है यूलर या जैकोबी, ये दो लोग हैं
मतलब ये दोनों लोग ऐसे हैं जो उन्होंने इतना बेसिक काम किया है जो मतलब अगर वर्ल्ड के टॉप 10 मैथमेटिशियन निकाले तो ऐसे काम किए उनमें से एक लोग हैं। लोग आज भी देखिए आप लोग इनके हिसाब से काम करते बोलते हैं। मैं अगर कंपेयर करूँ तो इनके इनके तुल्य कंपेयर कर सकता हूँ और किसी एक तुल्य कंपेयर नहीं कर सकता। खैर वहां पे काम चलता रहा, अपना वो काम बढ़ाते रहे। उसी बीच में जब होता तो उनको हार्डी को ऐसा लग रहा था कि इनका जो ब्रेन का वायरिंग जो है वो तो कुछ और तरीके से लगता है और नॉर्मल मैथमेटिशियन की तरफ से तो है नहीं। खैर चलता रहा, प्रॉब्लम और भी तरह की थी वहां पे। वो जो काम करने लगे वहां पे तो 1916 में उनको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली ना। आप ध्यान करिएगा ना, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी को हम लोग यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं। उस समय जो बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री उनको मिली, जो रिसर्च पे मिली, वो जो पीएचडी जो करते हैं उसके बराबर हुआ करता था। बाद में उसको पीएचडी के इक्विवेलेंट किया गया। वो जो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उनको कोई पेपर ऊपर पास करके नहीं मिला था, वो जो रिसर्च किए थे, जो पब्लिश कराए थे, उस पेपर के बेसिस पर उनको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, विच इज जो पीएचडी के बराबर की डिग्री थी। खैर वो मिल गया और वो जो जिसपे डिग्री मिली थी उस पर हार्डी का देखिए उनके रिमार्क किया है। हार्डी रिमार्क दे था, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजल पेपर सीन इन द मैथमेटिकल रिसर्च एट द टाइम एंड रामानुजन शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटी इन हैंडलिंग दैट वॉज द मोस्ट अनयूजल पेपर इन मैथमेटिकल रिसर्च एट द टाइम। मतलब कोई यूजल पेपर नहीं था, मोस्ट अनयूजल पेपर था और जितने साधारण तरीके से उन्होंने कर दिया कोई कर नहीं सकता ऐसा। ये बात उनके था। खैर 1917 में उन्होंने लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट हुआ उनका। किसी भी मैथमेटिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी में नाम आना बहुत बहुत कठिन बात होती थी। ऐसा नहीं कि किसी ने सिफारिश किया और उनका नाम आ गया, है ना। आज के जमाने में इतना नहीं होता कि किसी ने सिफारिश किया नाम आ गया। उनको अपना कैलिबर सबको दिखाने के बाद में ऐसा होता था कि उनको पूरा उनका मेम्बर बने। और क्या है, वन ऑफ द यंगेस्ट मेम्बर थे वो। किसके इससे पहले भी 1847 में एक इंडियन को उस मेंबर थे, उसका नाम था कुश्ती जी, वो पहले थे लेकिन इसके बाद ये मेंबर बने। बाद में ट्रिनिटी कॉलेज भी वहां पे था, उसके भी फेलो, उसके फेलो बने उसके। लेकिन इसी बीच में उनको हेल्थ का प्रॉब्लम फील होने लगा और बहुत ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम होने लगा। खाने के प्रॉब्लम थी, खैर वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनको जो है वापस देश आने की तैयारी शुरू की और 1919 में वो देश वापस आ गए और 32 ईयर्स के एज में 26 अप्रैल को उनका बाद में जब उनका रिसर्च जो प्रॉब्लम थी उसका एनालिसिस हुआ तो उनको लग रहा था कि जो डॉक्टर जो एनालिसिस किए तो उनको लग रहा था उनको जब इंडिया में थे वहाँ जान से पहले भी डिसेंट्री कई बार हो चुका था, दो बार हुआ था, तो बोले थे उसी के साथ उसका प्रॉब्लम था, वो डायग्नोस नहीं हो पाया था और डायग्नोस नहीं होने से बहुत मुश्किल हो सकती थी, शायद वो भी एक वजह हो जिसकी वजह से उनका अनटाइमली डेथ हो गई। तो बहुत था और हार्डी के साथ में प्रॉब्लम क्या था, वो दादा भगवान को मानते ही नहीं थे और ये बिल्कुल उनके बिना काम नहीं चलता था, तो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था दोनों। साथ में कहा चलता रहा उनका, बोला इक्वेशन वगैरह मेरे पास कोई भी मीनिंग नहीं, अगर किसी भगवान को इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ तो कोई मीनिंग ही नहीं है। रामचंद्र ऐसे बोलते थे, वो बोलते थे भगवान ही नहीं है, बड़ा गड़बड़ बात। खैर ऐसा बात चलते रही, उनका बहुत बार मजाक भी बनाते थे लोग साथ में, क्योंकि उनका स्पिरिचुअलिज्म था ना और वहाँ के लोगों को यहाँ के स्पिरिचुअलिज्म से पता ही नहीं था, हमारे वहाँ के से और भी उनका जो हैबिट था जो पूजा पाठ का उसको भी देखिए मजाक मतलब ऐसे नहीं उनको करते थे, मतलब उनका इस तरह से सोचते थे कि भाई किस तरह का
प्रॉब्लम थे और दोनों साथ में रहते थे, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम के बारे में पूछा भी, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है बताओ कैसे करें यार, ये हो नहीं रहा है हमसे। बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आप इंटरव्यू वगैरह दे जाएंगे तब भी आ सकता है। 1729 इसको होना है, रामानंद नंबर ज्यादातर, और बहुत बार उसको हार्ड ही रामानंद नंबर भी बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई इसका क्या खासियत है, हमको तो लगता है कि बड़ा सुकून वाला है। तो बोले कि ये ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करें ना, या क्यूब, दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर के क्यूब करें दो डिफरेंट नंबर से, तो ये तो क्या होंगे, 9 cube + 10 cube, both of this will give the same number। बाद में इसको टैक्सी कैब नंबर के नाम से भी प्रचलन में आ गया, इसका नाम टैक्सी कैब नंबर कहते हैं, इसका है इसके इसके जो जनरलाइजेशन हुए उसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं, बेसिकली इस नंबर से जान जाता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, जो उनके उनके व्यक्तित्व का सबसे इंटरेस्टिंग, पॉल रेनॉल्ड्स जो एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनका जो बायोग्राफी लिखा उसमें लिखा गया है, उनका क्या कहना था, अगर 0 से 100 का इतना अगर आकलन करना हो तो हार्डी अपने आप को स्कोर दे 25, बोले मैं 100 में से मेरा नंबर 25 होंगे, जिसके बारे में पूरा बुक का बुक का आज भी पढ़ाया जाता है, इतने हिलबर्ट के, हिलबर्ट के जो उससे थ्योरम सॉरी सब के बारे में, बोले हिलबर्ट को बोले अच्छे अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं और रामानंदन को देंगे 100। How brilliant, how genius he was. This is known as the Ramanujan's magic square. आप लोग सब एक बार गौर से देखिए इसमें, आप बताइए तो देखें आप लोगों से कितने लोग बता सकते हैं इसका क्या खासियत है। इस स्क्वायर का पहले एक बार गौर से देखिए तो you can take 2 minutes. इसको देखने बताइए इसमें क्या कुछ खासियत लगती है आपको। क्या कैसे बताओ, रो वाइज जोड़े या कॉलम वाइज, डायगोनली भी रो वाइज जोड़े या कॉलम वाइज जोड़े, रो वाइज ऐसे जोड़े सारे रोज का एक ही सम आ रहे हैं ना, यस सर, और कॉलम का भी एक ही आ रहा है, डायगोनल का भी एक ही आ रहा है, यस सर, और तो कोई चीज है बस इतनी ही, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप लोग, कोई भी रो का जोड़े सबका सम यही है, बैठी बैठ कॉलम का जोड़े सब डायगोनल जोड़े तब भी उसके सम उतनी आ रहा है। एनीथिंग इसके अलावा भी कुछ लग रहा है क्या, इसमें है कोई खासियत, यस 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 ये आप भी सही बोल रहे हैं बैठिए, ये वो बता रहे कि 22 दिसंबर जो पहले आपने हमने बताया था कि 22 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ तो वो भी इसमें तारीख पड़ा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा मुझे लास्ट में पूछना था, आपने बहुत पहले बता दे, बहुत इस स्क्वायर मैजिक स्क्वायर का ये सबसे बड़ा खासियत था, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया, ये बताए चार चार को जोड़े तो भी सेम आता है, ये भी बात बहुत आती है, इसके अलावा भी एक बात है देखो, डायगोनल वाली बात आपने बताई थी, चार चार वाली बात ये बता रहे थे जेंटलमैन, ये बता रहे थे शायद आप, ये चार चार में तो देखिए इसको देखिए, जिनको बात समझ में नहीं आई इनकी देख लीजिए, चार चार को जोड़े उनका भी सम बराबर होते हैं, ठीक, ये
इसका देखिए तो जो पीला में जो रंगीन है इसमें देखिए इसका भी समुपरेख है। एक बात और है देख लीजिए, सेम कलर को जोड़िए क्या? इसको भी जोड़ लीजिएगा। बराबर आ रहे हैं ना? यस सर। आप लोग भी ऐसा कोई स्पेयर नहीं है, आप लोग में से कोई ऐसा रावण दिन पे आए हमारे देश में, है ना? The most interesting, the climax is already over because the gentleman has already said the Yes, this is the 22/12/1887 उनका डेट ऑफ बर्थ भी। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बोली इनके बारे में, हमारा समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे फिर लास्ट में शेयर करना चाह रहा हूँ कंक्लूड करने से पहले। इन जब इनके बाद में इनके देहांत के बाद में 1962 में 75 साल के जब एनिवर्सरी थी तो इसके लिए इनके इनके यादगार में एक इनके अचीवमेंट के लिए एक स्टाम्प जारी हुआ था इनके नाम पे। प्राइज ऑफ एन मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज भी इनको दिया जाता है, आज भी दिया जाता है, इन द नेम ऑफ रामानुजन इन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में, जो इनके नाम से दिया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 125वां जो वर्षी थी इनकी 22 दिसंबर 2012 को, उस साल उसको नेशनल मैथमेटिक्स ईयर के नाम से सेलिब्रेट किए। और 22 दिसंबर को अभी अभी पिछले मैंने आपको याद होगा क्या कुछ हुआ था, ये नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से इनके बर्थ के हिसाब की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ज्यादातर बातें जो कंक्लूजन में मुझे कहना था वो सारी बातें मैं पहले कह चुका हूँ। ये उनका घर है जहाँ पे वो एक्चुअली रहा करते थे, और आज म्यूजियम है वो घर जिसमें रहा करते थे, वो आज म्यूजियम है। ये सब फंक्शंस है जिसमें काम किए थे उन्होंने। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की जो बात बोले थे, जो माँ बोरिस ने पिक्चर था वो यही है, सेकंड वाला। हाइपरजोमेट्रिक सीरीज में काम किया उन्होंने, इक्वेशंस पे काम किया है, नंबर थ्योरी पे काम किया, फोर्थ डिग्री क्वार्टिक जिसको बोलते हैं फोर्थ डिग्री इक्वेशन पे किए, फिफ्थ पे किए। उनके नाम पे भी उनके नाम पे जर्नल्स है, रामानुजन के नाम पे जर्नल चलते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज भी उनके जो काम किए थे, जो उन्होंने जो थ्योरम को छोड़ के चले गए थे नोटबुक में, जो प्रूफ नहीं हुआ था, लिख लिख के चले गए थे, उसको प्रूफ होने के बाद में उसके इफेक्ट से, उसके वजह से जो जो बातें हुई उस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। बड़े लोग उस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं, पेपर छपवा रहे हैं और पीएजी ने काम कर रहे। ये उनका जो ये हुआ था स्टाम्प जारी हुआ था, जो ये स्टाम्प था, और जो 2012 में जो 125वां वर्षी मनाया था वो उसको इसके बाद ये बड़े आगे चल के जरूर बनेंगे। और जो भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं रामानुजन जैसे, अगर आप उनके एक अंश भी बन जाए, सभी लोगों में एक भी अंश आ जाए, तो हमारा देश जो है ना बहुत आगे बढ़ने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।